आपका मेजबान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और साथ हसन है, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का। हम लोग इस टाइम मदीना मस्जिद नबी में खड़े हुए, पीछे आपको रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहा होगा। अभी हम लोग असर की नमाज पढ़ के फारिग हुए तो खाना शाना भी खाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना अलबैग से खाना खाते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अलबैग से खाना खाने के साथ साथ इंटायर अलबैग मेन्यू ऑर्डर करते हैं। क्या ख्याल है? बहुत मजा आने वाला है। ये ख्याल इसलिए क्योंकि खुद भी खाएंगे और यहाँ पे जितने भी अपने भाई हैं जितना हम कर सके उनको भी साथ साथ खिलाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अलबैग, वहाँ से आज पूरा अलबैग इंटायर मेन्यू अटैक। मस्जिद नबी के ये खूबसूरत मंजर और रोज़ा रसूल के सामने आंखों को अक्सर यकीन नहीं आता कि वाकई में यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और ये सामने जो है वो जन्नतुल बकी वाली साइड है, और इस गेट से जो कि गेट नंबर 364 है, सामने शायद आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा हो, 364 से हम लोग निकल के इस तरफ जाएंगे अलबैग पे। बाकी जितनी भी साइड्स हैं और जितना भी आसपास का एरिया है वहाँ पे अलबैग नहीं है। बाकी मैकडॉनल्ड्स, KFC वो चीज़ें आपको उस साइड पे मिल जाती हैं मस्जिद की बैक साइड पे गेट से निकलते ही, बट अलबैग ने बिल्कुल पास नहीं बनाया। उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ आप। वो है जी गेट नंबर 364 और ये है गेट नंबर 365। ये जन्नतुल बकी वाली साइड है और यहाँ से ये जो रोड जा रही है यहाँ पे तकरीबन 500 meters, इतना होगा ना, ऑलमोस्ट 500 मीटर्स इस रोड पे वॉक करने के बाद अलबैग आता है। अच्छा जी, अलबैग इतना दूर क्यों है मदीना में? उसकी वजह ये है कि इतना दूर होने के बावजूद अलबैग रश कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब मैनेज कर लेते हैं लेकिन इतना रश होता है, जबकि वो 300-400 meters दूर है और अगर उन्होंने हरम के बिल्कुल पास बना दिया तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए वो हरम के पास बनाते ही नहीं है। और अलबैग पे इतना ज़्यादा रश होने की जो मेन रीज़न हमें समझ आई वो क्या है कि उन्होंने ना, मतलब पहले जब, अब तो जिस बंदे ने शुरू किया था ना, हाँ, उसके बेटा चला रहा है और जब वो चला रहा था ना, हाँ, तो वो हर मील पे एक रियाल, हाँ, अल्लाह की राह में देता था। हर मील पे, हर ऑर्डर पे नहीं, एवरी मील एक रियाल अल्लाह की राह में। अब हाँ, और अब उसका जो बेटा है ना वो 2 रियाल देता है, हाँ, हर मील। तो इसका मतलब है कि वो मतलब अल्लाह ताला से तजारत करते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रश हर टाइम रहता है लोग। अच्छा ये भी हमने सुना है, बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि जी जितना नाम है उतना ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आज तक रश टूटता देखा ही नहीं। हाँ देखा ही नहीं, हर टाइम लाइन है, रात को तो इतनी लाइन होती है कि रेस्टोरेंट भी फुल होता है, हाँ, और उसके बाहर 4 लाइनें लगी होती हैं वो भी फुल। ईशा के बाद तो ये सीन होता है जिस तरह इमिग्रेशन में 4-4, 5-5 लाइनें होती हैं, उस तरह आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है लाइन में और फिर आप वहाँ तक पहुँचते हो। अच्छा जी, एक तो ये सबसे मेन रीज़न है इसकी कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है। दूसरी रीज़न इसकी है कि इकोनॉमिकल बहुत है। हाँ, ऐसे ही इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग हैं ना अगर आए, हाँ, तो आप अच्छा खासा खाना लेंगे, हाँ, तो वो जो देसी पाकिस्तानी बनता है ना, हाँ, उससे भी मतलब ज्यादा, हाँ, काफी, ओ, कम, नहीं, कम, बिल कम, कम बन जाता है, हाँ, और मतलब तकरीबन उतना भी बने, हाँ, तो आप बहुत ज्यादा पेट भर के खा सकते हैं। खा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इकोनॉमिकल मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर एक कोरमा लोगे जो कि 2 बंदे पूरा पूरा पेट भर के खाएंगे तो वो आपको मिलेगा 35 रियाल का। अलबैग का जो सबसे बड़ा बर्गर है बिग बैग वो है 18 रियाल का, वो भी विद चीज़। मैकडॉनल्ड्स का जो सबसे बड़ा बर्गर है ग्रैंड चिकन स्पाइसी वो यहाँ पे है 37-40 रियाल का, जो कि बनते हैं 2900 ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, और अगर वही बर्गर पाकिस्तान में लो तो वो 1200 रुपये का। तो मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज़, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि अलबैग उनके मुकाबले में हाफ से भी कम प्राइस पे अक्सर चीज़ें आपको मिलती हैं। 7 रियाल का शॉर्मा, 9 रियाल का शॉर्मा, चिकन आपको 4 पीस वाले बड़े बड़े फ्राइड पीस जो हैं वो मिल जाते हैं 21 रियाल के। मेरे ख्याल अभी मैं जा रहा हूँ, पूरा ऑर्डर करूँगा तो फिर मुझे पता लगेगा क्या सीन है इसका। तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिकल है, जिसकी वजह से कोई भी आता है और वो अपना पेट भर सकता है यहाँ पे। अच्छा भाई, ये है अलबैग और यहाँ पे ये मैं आपको वो 4 लाइंस बता रहा हूँ जो रात को ये बना देते हैं। जोहर के बाद और असर के बाद रश बहुत कम होता है, जिस तरह अभी आप सीधा वहाँ से वॉक करके अलबैग के अंदर जा सकते हो। मगरिब अंदर अंदर तो फुल हर टाइम रहता है। अगर मगरिब के बाद आओगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ तक लाइन में लगना पड़ेगा, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, वो आपको यहीं से ऑर्डर लेते हैं, फिर अंदर आप पिक करने जाते हो, इतना रश होता है तो 4-5 लाइनें फुल होती हैं। अच्छा जी, ये इस टाइम अंदर सीन है, रश फुल है, मतलब फुल तो बिल्कुल नहीं, इसको मैं कह सकता ये अलबैग के हिसाब से शायद 20% रश हो, हमारे हिसाब से ये बहुत रश है। तो वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ से इस तरफ आप लाइन में लगते हो, ऑर्डर पिक करते हो, होम डिलीवरी सर्विस इस तरफ है, तो एक अन्य वाह किस्म का सीन चल रहा है। ये अभी हमें वेट करना है यहाँ पे
तकरीबन दो चार पाँच पाँच लोग इधर खड़े हैं, दो चार पाँच छः लोग इस तरफ खड़े हुए हैं, ये अलग लाइन है। तब तक ज़रा मेन्यू पे नज़र दौड़ा लेते हैं। ये सी फूड मील्स हैं, फिर शुरू तो ये सिर्फ क्रिस्पी चिकन से हुआ था, अभी वो देखो इनके पास चिकन फिले सैंडविच, फिले फिश फिले सैंडविच, श्रिम्प सैंडविच, चिकन फिले बर्गर, अलबैग शॉर्मा विद गार्लिक सॉस, डबल बैग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। इस तरह पहले सिर्फ क्रिस्पी चिकन से स्टार्ट हुआ था, अब तो इनके पास ढेरों चीज़ें हैं, कॉर्न्स हैं, नगेट्स हैं, बिग बैग, वहाँ पे भी बिग बैग आ रहा था जो मुझे बड़ा पसंद है। मोहम्मद अल बैग चिकन मील 4 पीस, चिकन मील 8 पीस और चिकन फिले नगेट्स 7 पीस, बेकीज चिकन ब्रेस्ट मील 5 पीस और अल बैग स्नैक क्या है 1 नगेट नो एंड चिकन फिले सैंडविच स्पाइसी रहेगा सारा। 1 8 piece chicken 1 4 piece chicken 1 7 piece 10 piece 7 piece and 1 chicken sandwich चिकन फिले सैंडविच, फिश फिले सैंडविच और चिकन फिले बर्गर, अल बैग शॉर्मा विद गार्लिक सॉस, डबल बैग दो डबल बैग स्पाइसी और बिग बैग दो विद चीज और मोहम्मद हुमस विद ब्रेड बन और फ्राइज प्लस 2 गार्लिक सॉस, कितने एक फ्राइज प्लस 2 गार्लिक सॉस और 2 नगेट सॉस, 2 गार्लिक सॉस बस। शुक्र। सी फूड में कोल्ड ड्रिंक आएगा, फिश फिले नगेट 20 रियाल वाला कौन सा है, फिश हाँ वो वाला एक बस 161। जी ऑर्डर हमारा हो चुका है, ये इतनी बड़ी स्लिप मिल गई, अब हमें उस लाइन में जाके लगना है, फिर वहां से हमें ऑर्डर मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने डबल ऑर्डर की हैं और कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर नहीं की, जिस तरह से रिपीट हो रही थी जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल शॉर्मा विद हुमस है और शॉर्मा विद तहीना, तो वो एक चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी, एक नहीं की। और सी फूड वाली श्रिम्प्स वाली चीज़ें मैंने ऑर्डर नहीं की क्योंकि इनका मेन जो है वो क्रिस्पी चिकन है, तो क्रिस्पी चिकन से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं तकरीबन 99% ऑर्डर की है मैंने, इवन सॉसेज भी। अब वहाँ से ऑर्डर करने के बाद आपने इस साइड पर आना होता है, ये सारे लोग खड़े हैं अपना ऑर्डर लेने के लिए। محمد بالله ما دور عدل 277 عبر ها شو هذا منين ها शुक्रान। ले जी अल बैग इन टाइम मेन्यू हमारे पास आ चुके हैं और कितनी देर में मिल गया, 12-13 मिनट, हाँ बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं लगे, तकरीबन 12-13 मिनट मिले हमें टाइम मेन्यू मिलने में। और इतना तेज़ निज़ाम है वहाँ पे, इतनी आवाम खड़ी है, 15-20 लोग हैं और वो आपको इतनी मतलब 10 मिनट में 12 मिनट में आपको इंटायर मेन्यू मिल रहा है। और अभी कुछ चीज़ें छोटी मोटी 2-3-4 शायद होंगी जो मैंने ऑर्डर नहीं की, और इंटायर मेन्यू हमारा बना है 161 रियाल का, और अगर मैं बाकी चीज़ें भी कर लेता तो शायद 200 तक पहुँच जाता, वो उसमें श्रिम्प्स मैंने नहीं किए, इस तरह की 2-3 चीज़ें। पूरा मेन्यू लेके हम लोग पहुँचे हुए हैं मस्जिद नबी में, सेन में बैठ के इसको खाएँगे। हज वाली यादें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फैमिली के साथ कैमरे के पीछे हम दोनों की बेगमात बैठी हुई है तो हम हज पे ये करते थे कि अल बैग लेते थे और सेन में आके बैठते थे और यहाँ पे खाना खाते थे। अभी सारी चीज़ें मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि ये मोस्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ चीज़ें खोल लेते हैं। क्या खोलना है, जिस तरह मेरी फेवरेट चीज़ जो अभी रिसेंट क्रिस्पी चिकन के अलावा अल बैग की है वो है बिग बैग। ये जी बिग बैग, लास्ट टाइम जब मैं हज पे आया तो मुझे नहीं याद पड़ता कि ये था, अभी ये रिसेंटली शायद लॉन्च हुआ है और ये बहुत जम्बो बर्गर है। आप मेरा हाथ का साइज़ चेक करो और उसके अंदर ये जो है इसका पूरा जो है वो अल बैग विद सॉस और विद चीज़ हम करवाते हैं। तकरीबन 3 दिन हो गए हमें ये बर्गर खाते हुए, ये चेक करो चीज़ कैसे आ, ओए हेवी किस्म का, एक ज़रा ऑरेंज सी सॉस है, चीज़ है,
पूरा फिले है पूरे बर्गर के अंदर पड़ा हुआ, जंबो जेट किस्म का। स्पाइसी फिले विद चीज, जैलिपिनो सैलड सॉस। एक ही पूरी बाइट में आपको जो चीज़ें घूम घूम के आती हैं, मज़े आ जाते हैं। खासन खाएगा बिग बैग, मैं अगली चीज़ क्या खोलूँ। एक ये शॉर्मा जी, ये जो बिग बैग है सबसे बड़ा बर्गर है ये, और ये है कितने का बिग चीज़, 13 रियाल का। बिग चीज़ 13 का, मैंने 18 बताया था, 18 का अगर डिलीवर करवाओगे तो होगा। इधर इस तरह 13 का और इतना बड़ा बर्गर। और ये जो एक छोटू सा पिद्दू सा शॉर्मा, ये है तकरीबन आई थिंक 7 या 8 रियाल का। ये अगर आपको हल्की सी भूख लगी हुई है तो उसके लिए ये ठीक है। इसके अंदर एलपिनोज हैं, उसके अलावा इसमें चिकन है, और इनकी जो एक गार्लिक सॉस है बड़ी मशहूर, वो इसके अंदर डली हुई है। तो इसका साइज़ छोटू सा। चीज़ें हमारे पास बहुत हैं भाई। ये एक है जी, इसमें 2 बन आते हैं, 2 टिशू आते हैं, और इसके अलावा ये आई थिंक 8 पीस चिकन है, और अलबैक का 8 पीस चिकन विद फ्राइज। ओए होए 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 होए, हेवी हेवी। अगला हमारे पास है, इसमें इस शॉपर में बन है, और ये आई थिंक 4 पीस वाला है। इसमें क्या चीज़ है भाई, ये कोई पैकेट मैंने ऑर्डर किया हुआ है। और इसके अंदर हमारे पास है बर्गर, ये है स्पाइसी डबल बैग है ये। ओ ये सिंपल अलबैग का जो एक बिल्कुल सिंपल सा बर्गर है, 8-9 रियाल का आई थिंक, ये छोटा सा। आप ये सुकून से जो है इसको हल्की सी भूख लगी हो तो खा सकते हो मेरे हिसाब से। एक पैकेट में ये 2 आई थिंक डबल बैग हैं, वो पहले जो मैंने दिखाया वो एक सिंगल पैटी वाला है। और इसके अंदर जो बर्गर है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपको भूख लगी हुई है तो, ये आपकी भूख को हल्का फुल्का पूरा कर देगा। इसमें डबल पैटी है, चीज़ है, फिलिपिनोज हैं। ये गया हमारा वापस। फिर हमारे पास है, क्या है ये, चिकन है, तो ये क्या था, नगेट्स होंगे आई थिंक, फिश ना। फिर इसके अंदर है जी फिश फिले गोल्डन, और इसका फिश फिले भी काफ़ी मैंने इसकी तारीफ सुनी है। ये इस तरह से आते हैं बारीक बारीक, एक ज़रा खा के देख लें। स्पाइसी फिश फिले, खाओ 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 खाओ, तोड़ के फोड़ दो फिश फिले को, तोड़ फोड़ दो। फिश फिले आता है बन के साथ, इसमें आपको बन मिलता है और साथ में ये वाली सॉस है कोई ऑरेंज सी, और इस सॉस का क्या नाम है भाई, आई थिंक ये नगेट सॉस है वहाँ पे, क्योंकि 2 ही सॉसेज की ऑप्शन है, नगेट सॉस और गार्लिक सॉस, तो ये शायद नगेट सॉस है। उसके बाद हमारे पास आगे क्या चीज़ें, ये चिकन 4 पीस आ गया है, और इसमें भी कोई ना कोई ऐसी ही चीज़ है। ये हैं जी फिले नगेट्स, ये 7 फिले नगेट्स मैंने लिए थे, 10 की ऑप्शन भी होती है, वही मैं बता रहा हूँ, मैंने रिपीट चीज़ें नहीं की, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ ना एंटायर मेन्यू, इसमें 10 पीस वाला भी आता है, तो ये है 7 पीस वाला। ये उसी तरह से फिश की तरह है लेकिन थोड़ा सा उससे चौड़ा है, और चिकन में कल बैग के चिकन की गेम है भाई, स्ट्रॉन्ग गेम। अगली हमारे पास, ये मैंने एक ऑर्डर किया था, बहुत ही ये साइड्स के अंदर है, अगर आपने बिल्कुल चलते फिरते कुछ स्नैक टाइप चीज़ करनी है तो ये बन मिलता है इसके अंदर एक, और साथ में मिलती है हुमस। ओए होए होए होए, ऐसे हुमस के साथ बन लगा लगा के खाओ, मज़े ना आए, पैसे वापस। और ये भी वही एक चिकन शॉर्मा जो मैंने पहले आपको दिखाया, सॉस डिफरेंट है बस। और ये क्या चीज़ मैंने दी थी, आई थिंक ये फ्राइज विद, ओ नहीं ये भी शॉर्मा, 3 डिफरेंट सॉसेस के साथ 3 शॉर्मा। ये इतना साल बैक का जी इंटायर मेन्यू है, चीज़ें मतलब वही चिकन ही है सारा, लेकिन उसकी डिफरेंट, वो शॉर्मा बना दिया, बर्गर बना दिया, डबल पैटी कर दिया, सिंगल पैटी कर दिया, मोस्टली चीज़ें जो भी आप खाओगे वो आपको मज़े का लगेगा क्योंकि इनकी चिकन की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ये है जी असल सबसे मशहूर चीज़ जहाँ से अलबैग की कहानी शुरू हुई थी, अलबैग का फ्राइड चिकन, और इसको उठाओ और ओहो ओहो फुल फ्रेश। और अलबैग का चिकन की जो असल गेम है वो ये कि अंदर तक सॉसेज पहुँची होती हैं इसके, वो पता नहीं इंजेक्शन से भरते हैं या क्या सीन है, जो भी है फ्रेश चिकन एक्सट्रीम टेंडर।
लें जी डन। और ये जो टाइम होता है ये मस्जिद नबी की जो ये छतरियाँ हैं ये बंद हो रही होती हैं बड़ी स्लो, इसके टाइम लैप्स भी बड़े खूबसूरत बनते हैं, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके ना एकदम से बंद हो जाती है और फिर ऐसा लगता है पिलर्स हैं सिर्फ। खैर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाइयों को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, अल्लाह हाफिज़। ये देखो भाई मगरिब का टाइम हो रहा है, अभी मस्जिद के अंदर आए हैं तो यहाँ पे इफ्तारी लग रही है, मगरिब में अभी तकरीबन 3-4 मिनट रह गए हैं। इफ्तारी में यहाँ पे मिलती है जी खुब्स, दही, खजूरें और कावा, खजूरें भी इसके अंदर डाल रहे हैं।